हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है। और देखिए, आज का जो सेशन है ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे NTPC का हो, ग्रुप डी का हो, CISF का हो, या फिर SSC CGL CHSL तक के लेवल का। आज जो हमारा सेशन है वो रहेगा पॉलिटी का, जो कि हर एक एग्ज़ाम में आती है। और इसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक तरह से प्रैक्टिस सेट है सभी के सभी क्वेश्चन MCQ में। और आपको यहाँ पर चैलेंज भी दिया है मैंने आज को फर्स्ट टाइम, कि 25 में से आपको 20 का चैलेंज है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के सेट किए हैं। अगर आप 20 तक भी जा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही ब्रिलियंट लेवल पर है। तो चलिए अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आपको एक बात और बता दूं कि इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आप समय चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लेना, क्योंकि मैं थोड़े ही समय बाद आपको आंसर बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई होप आपने सही जवाब दिया होगा। ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 330, इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायालय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, यानी कि ये कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? यानी कि जो लक्षद्वीप है ये कौन से न्यायालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, केरल हाई कोर्ट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? और इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कानून द्वारा संसद जो है इसकी संख्या को बदल सकती है। और आपको एक और बात बता दूं, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब उच्च न्यायालय का गठन हुआ था, तो उस टाइम जो है सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या सिर्फ 7 थी। अब देखिए बदल कर कितनी हो चुकी है, वर्तमान में 31 हो चुके, यानी कि देख लीजिए अब कितनी बार बदला गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कम से कम आपको 10 वर्ष जो है वो कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, दिल्ली को NCR, ठीक है, NCR NCT संविधान के किस संशोधन से बनाया गया, यानी दिल्ली को NCR का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 69 संविधान संशोधन, जो कि 1991 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में 3 सत्रीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ओके, ऑप्शन सी, 20 लाख से जिनकी आबादी ऊपर है उसमें जो है वो त्रिसत्रीय पंचायती प्रणाली है। आपको पता होगा त्रिसत्रीय पंचायती प्रणाली जो है वो किसने दी थी, बलवंत राय समिति के द्वारा दी गई है। ये भी एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। और देखिए साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, अब आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जॉब फाइंडर पे शिवम लेके मुझे सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। बाकी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी इनके मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है ये। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है। राइट आंसर रहेगा देखिए ऑप्शन ए, केवल एक और दो कथन ही इसके अंदर बिल्कुल सही है। ओके, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, बिल्कुल राइट। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है, ये भी राइट है। अब देखिए तीसरा गलत क्यों है, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णय को मुख्य मंत्री के नाम पर लिया जाता है, जो कि गलत है, ये राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति ही इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रपति इसको हटा सकता है और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति भी करता है। पर देखिए कुछ स्पेशल केसेस में जो है संसद भी इसको हटा सकती है, कुछ स्पेशल केसेस में, पर ऐसा नहीं है मोस्टली। इसका आंसर जो है मैंने एग्जाम में देखा है, राष्ट्रपति ही प्रेफर किया हुआ है, बुक्स में कई जगह संसद भी दे रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित आधारीकृत भाषाओं पर विचार करें। भाषाएं आपको दे रखी हैं ये, और जो कथन हमको दे रखा है वो दे रखा है 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी। ओके, सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, 3 और 5। ठीक है, बोडो संथाली और डोगरी और मैथिली ये भाषाएं शामिल की गई थी 2003 में। आई होप आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। सही जवाब देखिए ऑप्शन ए रहेगा, अनुसूची, पहली अनुसूची। 12वां क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है CGL में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा इसका, वास्तविक न्यायाधिकरण। मुझे पता है इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट फंसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता। सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, राज्य विधान सभा। ओके, 14th क्वेश्चन हमारा, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी, और ये क्वेश्चन मैं आपको पुरानी क्विज में डिस्कस कर चुका हूं। ऑप्शन सी रहेगा, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। मौलिक कर्तव्य के बारे में हम बात कर चुके हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की यह देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, 1। समवर्ती सूची आप जानते होंगे जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। 16वां क्वेश्चन हमारा, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, केवल राज्यसभा में ही इसको हटाया जा सकता है, इसका प्रस्ताव भी उसी में पेश होगा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है आपने पढ़ा होगा ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ओके, नेक्स्ट है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 18वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है। क्षेत्रफल के हिसाब से, नॉट जनसंख्या। सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा इसका, लद्दाख। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है। ओके, उम्मीद है आपने सही जवाब दिया होगा, ऑप्शन डी रहेगा इसका, 1, 2 और 4। उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, राष्ट्र 352 आपको पता है कौन सी आपातकाल होता है, अगर कोई देश हमारे ऊपर हमला कर दे उस स्थिति में लगता है, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अब देखिए आंतरिक अशांति की बात बताऊं तो आपको पता है 44 संशोधन 1978 के अंतर्गत इसी का नाम बदल कर सशस्त्र विद्रोह ही कर दिया गया था, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अब इसका 1 और 2 इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है। देखिए क्वेश्चन समझना कि इसने क्वेश्चन क्या बोला है, और ऑप्शन बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब देखिए कुछ लोग इलाहाबाद कर रहे होंगे, बट इलाहाबाद का क्या क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में जजों की संख्या सबसे ज्यादा है। ओके, सबसे ज्यादा बड़ा न्यायिक क्षेत्र जो है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है, इसके अंतर्गत 7 राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता। और बिल्कुल सही जो ऑप्शन डी रहेगा, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा को हम कभी भी संशोधन नहीं कर सकते, यह भारतीय संविधान का एक मूल भाग है।
ओके 23 क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है। ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका से यह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। और देखिए पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा, ये हमारा गलत हो गया। राज्यसभा में 12 सदस्य तो मनोनीत होते हैं पर वो प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ओके नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। और देखिए इस क्वेश्चन के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका कितना स्कोर हुआ है। आई होप आपका स्कोर 20 तक होना चाहिए। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ओके ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण होता है और ये 79 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ठीक है तो गाइस यही थे आपके कुछ 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज की कुछ पसंद आई होगी। आज के क्वेश्चन मैंने थोड़े से अच्छे लेवल के ऐड किए थे। बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।